बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज तक आपने बहुत से पुलाव बनाए होंगे, लेकिन आज जो रेसिपी, आज जो केमिस्ट्री, बल्कि मैं आज आपको देने जा रहा हूँ, आज से पहले आपने इस प्लेटफॉर्म पर किसी भी बड़े से बड़े शेफ से नहीं सुनी होगी। आज हम कुछ नई चीज़ें ट्राई करेंगे, आज मैं आपको कुछ नया सिखाऊंगा और साथ साथ बताऊंगा भी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे हाफ कप हम लेंगे कुकिंग ऑयल का, फ्लेम को फुल हाई कर देंगे ताकि जल्दी गर्म हो जाए, और जब ये फुल गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर आपने एक बड़े साइज का प्याज ऐड करना है। यहाँ पे सबसे पहली और अहम बात, जो पुलाव हमारा काला हो जाता है ना, डार्क हो जाता है, वो प्याज के जलने की वजह से होता है, ठीक है। तो जब हल्का सा सुनहरी हो तो इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का बिल्कुल फ्रेश पेस्ट हम ऐड कर देंगे। याद रखिएगा, लहसुन को आपने कम से कम 3 मिनट जरूर देने हैं, चाहे आप फ्लेम लो ही कर लें, लेकिन इतनी देर आपने इसको पकाना जरूर होता है, वरना इसकी स्मेल दूर नहीं होती। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। लाल मिर्च का पाउडर हम ऐड नहीं करने वाले, कुटी हुई ऐड करेंगे ताकि जो पुलाव का कलर है वो डार्क ना हो, ठीक है, रेड ना हो, इसलिए कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। और हल्दी तो हम यूज कर ही नहीं रहे, याद रखिएगा, इसमें मैंने खड़े मसाले ऐड नहीं किए अभी तक। क्यों नहीं किए ये भी आगे जाके बताऊंगा। ये है 1 प्याली भर के दही की, इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हम हल्का सा थोड़ा सा मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे। अब यहां पे हम इसमें ऐड करने वाले हैं, ये लें जी, हमारे पास बहुत ही खूबसूरत आलू हैं जिनको अच्छे से हमने काट के धो लिया है, ये इसमें ऐड करेंगे। और ये है मटर, ठीक है, 1-1 प्याली ऐड कर लें, बस इतनी क्वांटिटी काफ़ी है। अब जब इसके अंदर दही की और आलूओं की नमी आ चुकी है इस पानी के अंदर, तब हम इसके अंदर खड़े मसाले ऐड करेंगे, ठीक है। पहले कर देते तो ऑयल के अंदर जल के उनकी खुशबू उतनी तेज नहीं आती जितनी आनी चाहिए, ठीक। अब इसमें 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च ऐड करूंगा। दो रीजन है, एक तो ये कि ये साबुत एंड पे बहुत मजेदार लगती है, और दूसरा ये कि चावलों का, पुलाव का कलर डार्क नहीं होगा। 1/2 टीस्पून साबुत जीरा जाएगा इसमें, साबुत जीरा ही अच्छा लगता है पुलाव के अंदर। और यहाँ पे कुछ और चीजें, 1 टेबल स्पून खुश धनिया पाउडर जाएगा इसके अंदर, और ये है 2 बड़ी इलायची, ये है 4 से 5 लौंग, पुलाव की जान, और 1 बादियान का फूल, और ये है हमारे पास दालचीनी का 1 टुकड़ा, 2 से 3 छोटे तेज पात ऐड कर देंगे। अब होता यह है कि स्टार्ट में जब हम प्याज फ्राई करते हैं ना, उसी के अंदर हम डाल देते थे ये मसाले खड़े, तो मुझे लगता था ये मसालों के साथ ज्यादती है, ऑलरेडी वो ड्राई होते थे जब प्याज के पानी के ऑयल के अंदर पक जाते थे, तो उनकी वो जो एक खुशबू होती है ना, बहुत स्पेशल, वो कम हो जाती है, उतनी नहीं रहती जितनी आनी चाहिए। फिर मैंने ये तजर्बे ट्राई किए तो इससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, ठीक है। यहाँ पे आप कलर कॉम्बिनेशन देखें, माशाल्लाह से कितना शानदार है। इसमें रेड पेपर पाउडर ऐड नहीं किया, हल्दी ऐड नहीं की, और काली मिर्च का पाउडर ऐड नहीं किया, जिस वजह से कलर खूबसूरत है। अब इसमें मैं 2 गिलास पानी के ऐड कर रहा हूँ। याद रखिएगा, इसी पानी के गिलास को भर के मैंने चावल जो है वो मैयर किए थे और उसको भिगो के रखा था 1/2 घंटा पहले, ठीक है। तो डबल क्वांटिटी में मैं ये पानी ले रहा हूँ चावलों से, क्योंकि 1/2 घंटा पहले भिगोए थे। अब इसके अंदर चावल नहीं आपने ऐड करने, ढक्कन रख के अच्छे से इसको बॉयल कर देना है। जब ये खौलने लगेगा, उबलने लगेगा, इसका टेम्परेचर फुल हाई हो जाएगा, तब आपने इसके अंदर चावल ऐड करने हैं, ठीक है। एक दफ़ा इसको मिक्स कर लें, और यहाँ पे आप कलर देखें, आपको यहीं पे लाइट सा पुलाव का कलर फील हो रहा होगा, ठीक है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों को ऐड करते एक बात याद रखिया करें कि इसको एक भी दाने को आपने ज़ाया नहीं होने देना, इसके आपके रिस्क में बरकत आती है और आपके हाथों में खाना का टेस्ट भी बढ़ जाता है, ठीक हो गया। चलें जी, अब आपने क्या करना है, इनको एक दफ़ा नरम से हाथों से आपने, मतलब कि लाइटली मिक्स कर देना है। फ्लेम फुल हाई रखना है, जब से मैंने पानी ऐड किया है तब से फ्लेम मैंने लो नहीं किया, याद रखिएगा, चावल हाई फ्लेम के ऊपर ही पकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे, क्यों, ताकि चावल पानी पी लें। ये देखिए, ये एक सिचुएशन है जहाँ पे चावलों ने पानी पिया है, कंप्लीट नहीं पिया। अक्सर लोग गलती करते हैं, यहाँ पे दम लगा देते हैं जिससे चावलों का हलवा बन जाता है, ये गलती आपने नहीं करनी, ठीक है। आपने इसको कब दम लगाना है मैं अभी बताता हूँ, वापस रख के, फ्लेम फुल हाई है, ठीक हो गया। चलें जी, अब देखें यहाँ पे हल्की सी नमी आपको पानी ऊपर नजर आ रहा है। अब आप इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे और फुल फ्लेम ही रखेंगे, देखिएगा पानी 1 मिनट के अंदर ड्राई हो जाएगा। दम हमेशा तब लगाते हैं जब चावल कंप्लीट पानी को पी चुके होते हैं, ठीक है, फिर चावल आपके बहुत खिले खिले लगते हैं। अब यहीं पे आपको माशाल्लाह से कलर नजर आ रहा होगा, कितना शानदार है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आदत से मजबूर इसमें टमाटर ऐड करेंगे। लोग कहेंगे पुलाव में टमाटर नहीं जाते, तो मैं आपको बताऊँ, लोगों को छोड़ें, तारीख को छोड़ें, अपनी रेसिपीज बनाया करें, खुद ट्राई किया करें, आप
इस काबिल हो चुके हैं माशाल्लाह से कि आप चीज़ों को खुद ट्राई करें और देखें रिजल्ट्स क्या मिलते हैं। हरी मिर्चें और जो टमाटर हैं वो मैंने बीज निकाल के इसमें ऐड किए हैं। यहाँ पे जो टमाटर हैं वो एज अ वेजिटेबल ऐड हो रहे हैं, मसाला ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आपने इसको दम लगाना है, ऊपर उठा के नीचे तवा रख देना है और फ्लेम हाई करना है एक मिनट के लिए। उसके बाद लोएस्ट फ्लेम के ऊपर आपने 15 से 20 मिनट का दम लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा जब आप दम उठा देते हैं तब एक चम्मच से आपने चावलों को इस तरह से मिक्स करना होता है ताकि इसकी ढेलियाँ ना बन जाए, ताकि ये आपस में जुड़ ना जाए, ठीक है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन है, कोई भी इसके अंदर चावल जुड़ा नहीं, निखरे निखरे हुए हैं। फाइनल लुक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे दिखते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो उसने हमारे हाथों में हमारे कानों में। अगर आपको लगता है मैंने कुछ भी अच्छा नया सिखाया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा ऑप्शन था कमेंट जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अब इजाजत अगली वीडियो तक, अल्लाह हाफिज। पुलाव रेसिपी के लिए, केक की रेसिपी के लिए, केक डॉट ओवन की रेसिपी के लिए, ब्रेकफास्ट रेसिपी के लिए, चिकन रेसिपी के लिए, यम्मी एंड टेस्टी रेसिपीज के लिए, 10 मिनट रेसिपी के लिए इजाजत सारी फूड सीक्रेट्स चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए।